मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन नीलम मैडम विद यू। अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, शेप्स एंड डिजाइंस। मैंने इससे पहले भी आपको शेप्स एंड डिजाइंस सिखाए थे, अब इसमें और ज्यादा शेप्स डिजाइंस देखेंगे। देखो पेज नंबर 60 क्या है, उसमें मेक अ क्लैपर। आप क्लैपर से पेपर में से बना के खेलते हो ना, ऐसे फटाफट करते फोड़ते हो और अपने फ्रेंड्स को डरा देते हो या मम्मी पापा को डरा देते हो, करते हो ना ऐसे, वो आपको बनाना है, ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61, हैव फन विद शेप्स। हमें एंजॉय करना है शेप्स के साथ। क्या करोगे, देखो अपनी बुक में, कलर द क्लाउन फॉलोइंग द डायरेक्शंस गिवन बिलो। ये क्लाउन शेप्स में ड्रॉ किया हुआ है, उसमें हमें कलर करके देना है। देखो क्या है, ट्राइंगल्स हैं वो सब रेड कलर में करने हैं, स्क्वायर्स हैं वो सब येलो कलर में, फिर रेक्टेंगल्स ब्लू कलर में एंड सर्कल्स ग्रीन कलर में। आपके पास क्रेयॉन कलर है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसमें कलर फिल कर लेना। ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें जो ये फिगर्स दी गई है, इसमें ट्राइंगल कितने होते हैं वो हमें काउंट करके बताना है। लेट्स बिगिन। देखो मैं नंबर्स लिखने जा रही हूँ, काउंट करते करते। ये 1, 2, 3, 4 राइट, 5, 6, 7, 8 अब आगे ये वाला ट्राइंगल, ये हुआ 9 और ये ऊपर ये हुआ 10, अब ये 8, 11 और ये वाला 12। अब दिख रहा है कुछ और बना हुआ बड़ा वाला ट्राइंगल से कुछ नहीं ना, तो हमारे 12 वाले ट्राइंगल को ये वाले ले लिए, ये वाला ये वाला ये वाला 12 हो गए। इसमें बड़ा ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ से देखो नहीं हो रहा है, ये तो हमने काउंट कर दी, तो हमारे कितने ट्राइंगल्स होंगे, 12 ट्राइंगल्स। ओके चलो इस पिक्चर में देखते नंबर वाइज मैं काउंट करते हुए लिखती जाती हूँ, आप भी ऑब्जर्व करना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट ट्राइंगल्स देखे हमने। अब ये वाला मैं बना रही हूँ, ऑब्जर्व करो, देखो ये हुआ 9, फिर ये हुआ 10, अब ये वाला ये हुआ 11 एंड दिस वन 12। अब इसके अलावा कौन से बन रहे हैं वो हमें ऑब्जर्व करने हैं। इसमें कोई बन रहा है ये ऑलरेडी है, फिर यहाँ से यही है, यहाँ से बड़ा वाला नहीं बन रहा है, देखो और कोई बन रहा है, ये वाला भी बना लिया, ये वाला भी बना लिया हमने, यहाँ से यस ये बन रहा है 12 के बाद ये रहा, ये होगा 13, फिर यस ये देखो यहाँ से ज्वाइन करके ये होगा 13 के बाद होगा ये 14 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट, अब इसमें देखो पहले तो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसको हम दे देते हैं 1 नंबर, फिर आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब इसमें से एक दूसरे कौन से बन रहे हैं वो देखो, 10 के बाद ये यहाँ ये हुआ 11 ठीक। अब ऐसे ही साइन में बनेंगे, जैसे मैंने ये वाला लिया ऊपर से साइड में, ये नंबर हुआ 12, फिर इस साइड भी बनना चाहिए, इस साइड बनना है तो इस साइड भी बनना चाहिए,
कितने सारे हो गए 30। और कोई देखते हैं कुछ बनता है, ये तो बना लिया, ये साइड वाला भी हमने बना लिया, ये साइड भी बनाया, अब यहाँ से बड़ा वाला नहीं बनना। तो हमारे कितने हुए ट्रायंगल्स में 30, है ना मजेदार गेम। आप ऐसे कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके ऐसे कहीं भी ऐसे लाइन करके ट्रायंगल्स बना सकते हो, फिर काउंट कर सकते हो। और नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर्स गिवन। फिगर्स में आपकी बुक में देखो पेज नंबर 62 है, उसमें फिगर्स दिए गए हैं, चेक्स वाले हैं, जैसे मैंने एक बोर्ड पे ड्रॉ किया है। देखो फर्स्ट में रेक्टेंगल, सबसे बड़ा रेक्टेंगल जो बने ना, बिगेस्ट रेक्टेंगल, ऐसे हमें ड्रॉ करना है। फर्स्ट वाला एक बना हुआ है, एक मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। देखो ऐसे ये वाला रेक्टेंगल बनाएंगे तो इतना बड़ा नहीं हुआ, ये भी इतना बड़ा नहीं है, ये स्लिपिंग लाइन में जो हम बनाएंगे ना, देखो ये बड़ा हुआ, ये छोटा है, ये छोटा लग रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ले सकते। ये बिगेस्ट रेक्टेंगल हुआ, ऐसे दो पिक्चर्स, दो फिगर्स और भी, उसमें आप खुद रेक्टेंगल अच्छे से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और पेज नंबर 63 लुक देयर एजेस एंड कॉर्नर्स। क्या हमें यहाँ पे पढ़ना है इस पेज में, कोई भी चीज की एजेस एंड कॉर्नर्स, साइड्स जो होती है ना उसको हम एज बोलते हैं, और खूणा गुजराती में बोलते हैं ना कोने, उसको कॉर्नर्स बोलते हैं। लुक देयर इज वन स्टोरी, मीता एंड हर फाइव फ्रेंड्स वेर प्लेइंग अ गेम। मीता और उसके फाइव फ्रेंड्स गेम खेल रहे हैं। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज वी विश्ड व्हाइल द अदर्स वुड मूव राउंड अ टेबल। टिंकू को देखो आइस पे उन्होंने पट्टी बांध दिया है, फिर उन क्या बोला है कि वो क्लैपिंग जब करेंगे, क्लैप करते हुए उनको स्टार्ट करेंगे गेम और राउंड फिरते जाएंगे, और जब स्टॉप क्लैपिंग, जब क्लैपिंग स्टॉप हो जाएगा तो वो जहाँ पे है वहाँ पे उनको स्टॉप हो जाना है। अगर उन्होंने कॉर्नर पकड़ लिया है तो वो ओके है, अगर बीच में कोई रह गया है तो वो आउट हो जाएगा, फिर उसका आँख पे पट्टी बांधने का, ब्लाइंड फोल्डेड बन के उसको दाव देने का आएगा। देखो क्या है, टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड व्हाइल द अदर्स वुड मूव राउंड अ टेबल। जब वो राउंड टेबल पे राउंड करते जाएंगे और क्लैपिंग करते जाएंगे, द मोमेंट टिंकू स्टॉप्ड क्लैपिंग, फिर स्टॉप हो जाती है क्लैपिंग, एवरीबडी वुड स्टॉप वेर एवर दे वेर, जब वो क्लैपिंग स्टॉप करेगा तो जहाँ पे वो लोग हैं वहीं अटक जाएंगे। द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट ए कॉर्नर वुड बी आउट, जो चाइल्ड कॉर्नर पे नहीं होगा वो आउट गिना जाएगा। देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड, फिर वो ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आउट हो जाएगा, उसको दाव देने का टर्न आ जाएगा। देखो पिक्चर में क्या है, क्लैपिंग अटक गया तो चार बच्चे कॉर्नर पे पकड़ के खड़े हो गए, और बीच में जो गुड्डू नाम की गर्ल है वो अटक गई है, मतलब वो आउट हो गई है। देखो क्या है, छोटू है, गुड्डू है, बंटी है, राजा एंड मीता। तो इसमें बंटी, मीता, राजा, छोटू ये चारों कॉर्नर पे पकड़ के खड़े हो गए, और गुड्डू रह गई बीच में अकेली, तो वो हो गई आउट। देखो आगे क्या है क्वेश्चंस, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबो कैन यू टेल हु इज आउट। आप बोल सकते हो कौन है आउट इसमें, यस गुड्डू आउट हो गई है। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे खड़ी है, देखो टेबल के बीच में है ना, दो साइड, दोनों साइड एक एक बच्चा है और बीच में है गुड्डू, तो हम बोलेंगे मिडल ऑफ द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल, क्या आप राउंड टेबल के गोल घूमते हुए ये गेम खेल सकते हो, थिंक करो। नहीं, क्यों,
राउंड टेबल में कॉर्नर नहीं है होते हैं। और इस गेम में इनको क्या करना है, जब क्लैपिंग अटकती है तब उनको कॉर्नर पकड़ के खड़े हो जाना है, और बिना कॉर्नर पे जो खड़ा रहेगा वो आउट हो जाएगा। तो कॉर्नर नहीं होने की वजह से राउंड टेबल यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे नो, फिर वाई, टैब वाले देर इज नो कॉर्नर, राउंड टेबल को कॉर्नर नहीं होते हैं। चलो और क्या है, मेनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस। देखो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी स्ट्रेट एज होती है। देखो बुक है, फिर चेयर है, काइट है, आप देख रहे हो बोर्ड पे भी मैंने दिया है। ये देखो बुक की जो ये सीधी लाइन होती है वो उसकी साइड जो एज कहलाती है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये सब एज कहलाती है। और चेयर में देखो ये वाली लाइन, ये वाली, ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन्स है, पूरी जो स्ट्रेट लाइन्स है वो एजेस कहलाती है। और इसमें भी देखो काइट है, ये देखो ये सब एजेस कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 64 देखो, अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एज। हमने स्ट्रेट एज देखी, अब हमें कर्व्ड एज देखनी है। देखो क्या है पिक्चर में, एक व्हील है, फिर राउंड शेप का कुछ बड़ा वाला टब जैसा दिख रहा है, राइट। दोनों में जो राउंड शेप है उसको हम कर्व्ड एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व्ड एज। देखो यहाँ पे व्हील मैंने ड्रॉ किया है, उसका पूरा जो आउटर लाइन है ना वो कर्व्ड एज है। देखो इसमें अब बुक में पेज नंबर 64 ए, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व एज। स्ट्रेट एज और कर्व एज कौन कौन सी है, अब भी मैंने आपको जस्ट पिछले पेज में दिखाया ना, स्ट्रेट एज वाला क्या था, चेयर थी, बुक थी, काइट। फिर कर्व एज में क्या बताओगे आप, व्हील, प्लेट, हमारी थाली जो होती है खाना खाते हैं जिसमें वो, फिर बाउल, कटोरा होता है बड़ा सब्जी का बाउल होता है, वो कर्व एज है, कर्व एज वाले। ओके नाउ बी, डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स। स्ट्रेट एज वाले को कॉर्नर्स होते हैं, यस। देखो ये दो स्ट्रेट एज है, ये और ये, इस बीच में ये जो है उसको हम बोलते हैं कॉर्नर। ओके नाउ थर्ड वन, डू द थिंग्स विद कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स। अब कर्व एज वाले को कॉर्नर्स होती है, नो नहीं होते हैं। आपको बाउल में कहीं कॉर्नर्स दिखते हैं, बॉल में दिखते हैं, नहीं ना, प्लेट में नो, तो वहाँ पे कॉर्नर्स नहीं होते हैं। डी, ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। दोनों कर्व एज भी हो और स्ट्रेट एज भी हो, एक ये एग्जांपल हो सकता है, ये स्ट्रेट एज है और ये वाली कर्व एज है। ओके नाउ एक्टिविटी टाइम, टेक ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर शेप का पेपर लेना है, काउंट इट कॉर्नर्स। एक पेपर लेते हैं, उसका रेक्टेंगुलर पेपर के कितने कॉर्नर होंगे, 4 कॉर्नर होंगे। नाउ फोल्ड वन कॉर्नर, फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर, एक कॉर्नर को हम फोल्ड कर दे। देखो पिक्चर में कैसे है, नाउ हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ। अब एक को फोल्ड किया तो बाकी कितने बचे कॉर्नर, 3 कॉर्नर्स। हाउ मेनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग, फोल्डिंग करने के बाद हमें कितनी कॉर्नर्स बची, 3 मिली कॉर्नर्स, राइट। कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच ए वे दैट इट इज ओनली 3 कॉर्नर्स। आप ऐसे पेपर को जिसको 3 कॉर्नर्स है कौन से तरीके से उसको फोल्ड करोगे, यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड्स, आपको खाली 2 ही फोल्ड्स करने हैं। व्हाट शेप विल यू गेट, फिर आपको कौन सा शेप मिलता है, ये आपको एक्टिविटी घर पे करनी है। ये रेक्टेंगुलर पेपर लेके फिर एक स्क्वायर शीट का पेपर लेके भी ये कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ओवर पेज नंबर 65 लुक देयर, लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टिक राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव कॉर्नर्स। ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ एजेस, जो थिंग्स दी गई हैं
उसकी एजेस, उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइंस होती है ना, वो लाइंस काउंट करनी है। और कॉर्नर, अगर उनको कॉर्नर है तो वो भी हमें काउंट करके लिखना है। नाउ लुक एट दी बोर्ड, ये टेबल दिया गया है, देयर इज अ वन टेबल, देयर आर फोर पार्ट्स, नेम ऑफ थिंग, यहाँ पे थिंग्स के नेम है, फिर वेदर इट इज कॉर्नर, अगर उसको कॉर्नर है तो ये असली है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। नाउ नंबर ऑफ केजेस, इसकी एजेस की जो लाइन्स हम ड्रॉ करिए ना शेप की, वो काउंट करके बताना है। फिर नंबर ऑफ कॉर्नर्स, अगर थिंग को कॉर्नर है तो हमें वो काउंट करके बताना है, अगर नहीं है तो हमें जीरो लिखना है, राइट। कम टू द पॉइंट, फर्स्ट पिक्चर इज डैड, पिक्चर दिया गया है बाकी में नहीं सीखे, डैड तो उसको कॉर्नर है तो यस कॉर्नर है। चलो नंबर ऑफ एजेस को कितनी होती है, ये डैड कौन सा शेप है, क्यूब का है ना, क्यूब में कितनी एजेस होती है तो काउंट करें तो चार पर उस साइड साइड दो ऐसे करके टोटल 12 होती है, कितनी एजेस होती है 12 है। फिर नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे, ऊपर के चार के लिए फिर नीचे के चार तो 8 होंगे, क्योंकि कॉर्नर से लाइंस जुड़ जाती है ना, लाइंस एजेस भले 12 होती है लेकिन उसके कॉर्नर 18 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट ये है बॉल, हाँ यहाँ पे देखो ये है बॉल, तो इसको कॉर्नर है, बॉल को कॉर्नर होती है, नो बॉल स्फीयर शेप का होता है, राइट। नंबर ऑफ एजेस, तो उसकी नंबर ऑफ एजेस 0 क्योंकि बॉल में स्ट्रेट लाइन नहीं होती। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, वो भी 0 क्योंकि वहां पे उसके कॉर्नर्स भी नहीं होते। फिर है इरेजर, इरेजर आप कंपास बॉक्स में रखते हैं ना, वो कौन से शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा, राइट। तो उसको इरेजर को कॉर्नर होंगे, यस होंगे, हाँ क्यूबॉइड शेप ले रहे हैं, दूसरे शेप्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के वो वाले नहीं। इसकी नंबर ऑफ फेस सेम 12 होगी, और उसको नंबर ऑफ कॉर्नर्स, उसके नंबर ऑफ कॉर्नर्स की 18 होंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है, ए देखा है आपने, ए कभी ऐसे ओवल शेप का होता है, होता है ना, तो उसको कॉर्नर्स होती है, नो उसको कॉर्नर्स नहीं होती, फिर उसको एजेस नहीं, ओवल शेप का तो एजेस नहीं आएगी, पूरा ओवल शेप ऐसा होता है ना देखने का, है ना। फिर नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नो जीरो आएगी क्योंकि एजेस नहीं है, लाइन नहीं है। फिर शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर आपने देखा ना अपनी नोटबुक वाले ड्राइंग पेपर पे, ऐसे शेप होता है, यस रेक्टेंगुलर शेप होता है ऐसे, ठीक है। तो उसको क्या होगा, कॉर्नर होगी, यस कॉर्नर है। फिर नंबर ऑफ पेजेस है कितनी होगी, 1 2 3 4 फोर एजेस होगी। फिर इसको कॉर्नर्स कितने होंगे, 4 कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके आप काम करके दूसरे कोई भी शेप्स लेके आप अपने तरीके से एक्टिविटी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन क्या है देखें, नीचे इन द फॉलोइंग फिगर्स टिक राइट दोज विच हैव कॉर्नर्स, डू दिस फिगर्स हैव कॉर्ड लाइंस, जिसके कॉर्नर हैं उसमें हमें टिक करना है और किसको करो लाइन है वो भी बताना है। देखो फर्स्ट पिक्चर हाफ सर्कल के जैसा है ना, तो उसमें कॉर्नर है, हाँ दो कॉर्नर दिख रहे हैं तो वो दो कॉर्नर पे टिक करना, राइट मार्क करना है। स्टूडेंट्स पेज नंबर 66, 10 ग्राम, देखें अब इसमें 10 ग्राम क्या है, द 10 ग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल। हम जैसे पजल गेम खेलते हैं ना, आपके पास भी होगी, खेलते हैं अपन, वैसे ये 10 ग्राम एक चाइनीज पजल है। From the pieces of the 10 gram, we can make many shapes of animals, people and things. ये 10 gram के हम pieces जैसे पजल में होते हैं वैसे pieces बना के कोई भी animals के shapes, people के या thing के ऐसे shapes हम बना सकते हैं। देखो क्या है इसमें,
इसमें देखो फाइव पीसेस मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, ऐसे हमें ड्रॉ करके आप पीसेस कट करके बना सकते हो। देखो एट द बैक ऑफ द बुक यू विल फाइंड अ स्क्वायर लाइक द वन ऑन इन दिस फिगर, कट इट आउट केयरफुली एंड कट द पीसेस। लेकिन ये पीछे बुक में दिया गया है लेकिन हम बुक में से कट नहीं करेंगे, बट पेपर में से बनाएंगे। आपको घर पे ऐसी एक्टिविटी करनी है, एक प्लेन पेपर लेके फिर उसमें सेम जैसे मेजरमेंट है वैसे मेजरमेंट का आपको ड्रॉ करके फिर उसके थिक पेपर लेना, थोड़ा शेप्स कट करो, फिर उसका एनिमल का शेप लो। दिस सेट ऑफ फाइव पीसेस इज कॉल्ड द फाइव पीस 10 ग्राम। जितने पीस होते हैं ना उसने पीस का 10 ग्राम बोला जाता है। यहाँ पे फाइव पीस है तो हम फाइव पीस के 10 ग्राम बोलेंगे। यूज दिस फाइव पीसेस टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स। अब हम इस फाइव फिगर्स का यूज करके नीचे जो पिक्चर्स दी गए ना वो मैं आपको सिखाती हूँ। चलो अब हम ये पिक्चर्स मैंने थोड़े ड्रॉ किए हैं बुक में से, उसको कैसे कौन कौन से पार्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो ये देखो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, राइट। मैं डॉट एक लाइन कर रही हूँ, यही वन नंबर हुआ। फिर ये स्क्वायर शेप हो रहा है तो वो है 3 नंबर, राइट। फिर ये ट्रायंगल हो रहा है, वन नंबर का बड़ा वाला ट्रायंगल आ गया मतलब आएगा 2 एंड 5, 2, 5 और जो जो फिर ये वाला शेप है 4 नंबर का हो गया एडजस्ट। ऐसे आप दूसरे भी कर सकते हो ना। चलो ये कैसा माउंटेन जैसा पिक्चर है, चलो इसको हम अरेंज करते हैं। देखो मैंने थोड़ी डॉटेड लाइन दी हुई है उसकी, ये आएगा 1 नंबर ट्रायंगल। फिर ये ऊपर भी ट्रायंगल है जिसको हम 2 नंबर देंगे, ठीक है। फिर ये वाला देखो यहाँ पे है 4 नंबर का शेप, ठीक है 4 नंबर, ओके। अब ये दो बच्चे तो ये कुछ कुछ हमें स्क्वायर जैसा लग रहा है, स्क्वायर जैसा, यस। तो ये है 3 नंबर। फिर ये रहा ट्राइंगल दूसरा, इसको हम 5 नंबर, 5 के 5 शेप हो गए यूज। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो ये ट्राइंगल इसको 1 नंबर, फिर ये स्क्वायर इसको देखिए हम 3 नंबर, ओके। अब यहाँ पे ये 1 नंबर का ट्राइंगल लिया है क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे छोटा ट्राइंगल, और ये वाला शेप देखो है 4 नंबर का शेप, यस। फिर ये छोटा ट्राइंगल जो है वो 5 नंबर का, फिर ये बड़ा ट्राइंगल 1 नंबर का हो गए। 5 के 5 शेप यूज एंड इंटरेस्टिंग, आप ऐसे दूसरे शेप बनाना। चलो वैसे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं रोटेट कर रही हूँ, ट्राइंगल हुआ, यस 2 नंबर का ट्राइंगल। देखो यहाँ पे दो स्ट्रेंगिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन, यहाँ पे हम स्लीपिंग लाइन करेंगे तो स्क्वायर हो गया तो कौन सा है 3 नंबर, राइट। अब ये देखो यहाँ पे हमारा कौन सा शेप आएगा, ये वाला है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लाइन करूँ तो ये वाला है 4 नंबर वाला शेप, यस। अब ये शेप तो नहीं दिख रहा है तो इसको कुछ तो डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ ये हुआ बड़ा वाला ट्राइंगल 1 नंबर वाला, और ये हुआ छोटा ट्राइंगल 5 नंबर। ऐसे आप दूसरे शेप्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 67, देयर आर सम क्वेश्चंस, नाउ प्लीज स्टार्ट विद हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट। ये पूरा सेट दिया गया है, इसमें कितने ट्राइंगल है, लो 1, 2 एंड 3। How many triangles? 3 triangles. Next question. Are all of them
बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं? तो आंसर इज नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द टू स्मॉल लाइंस। क्या यूज करना है? टू स्मॉल लाइंस इन द पेंडा सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप्स। हमें पेंडा सेट के टू ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल को यूज करके जो शेप दिए गए उसमें यूज करना है। देखो मैं करती हूँ, कैसे करती हूँ, देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन की हुए टू स्मॉल ट्रायंगल्स, टू एंड फाइव। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे डल लाइन करती हूँ, टू एंड फाइव, ऐसे उल्टे ज्वाइन करोगे तो ऐसे हुआ। इसमें भी टू एंड फाइव ज्वाइन करोगे, स्मॉल ट्रायंगल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, विच टू पीसेस ऑफ 10 ग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम। दो पीसेस एग्जैक्टली सेम है वो फाइंड आउट करने हैं। देखो ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, 3, 4 एंड 5, 2 एंड 5 नंबर के ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है। हमारा आंसर आएगा 2 एंड 5। नेक्स्ट, टेक पीसेस 4 एंड 5। 4 एंड 5 नंबर वाले पीस from the set and find out on which side of the triangle you can join the other piece. आप ट्राइंगल के कौन सी साइड पे दूसरा पीस जॉइन कर सकते हो? देखो यहाँ पे ये वाली साइड, ये वाली साइड दोनों सेम है, तो हम ट्राइंगल के नीचे ये वाला शेप ड्रॉ कर सकते हैं, रख सकते हैं, राइट। फिर ये तो ऑलरेडी यहाँ पे जॉइन है, फिर यहाँ पे आप ट्राइंगल कर सकते हो जॉइन, यस कर सकते हैं ना। फिर यहाँ की साइड, ये वाली साइड दूसरा ट्राइंगल भी कर सकते हैं जॉइन, इस साइड 4 एंड 5 नंबर के ट्राइंगल पे हम इतना सारा जॉइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड विच इज साइड एंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस। हम कैसे मैच हो रही है पेयर्स, साइज पेयर्स की साइज, मतलब पेयर्स पीसेस 1 एंड 2, जो पीसेस अलग अलग हैं वो पेयर में दिए गए हैं, उनकी कौन कौन सी साइड में जो रही है वो हमें बताना है। मैं आपको दिखाती हूँ 1 एंड 2। देखो ये 1 ट्राइंगल और ये 2 का, मतलब 2 ट्राइंगल की ये दोनों साइड, ये साइड 1 से मैच कर रही है, फिर 2 की और इस 1 की ये वाली साइड भी सेम है, ये भी मैच कर रही है, ठीक है। मतलब बाकी की ये वाली नहीं कर रही है, ये वाली भी नहीं कर रही है, ठीक है। ये दो साइड दोनों साइड ये वाली ये मैच कर रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट, पीसेस 2 एंड 4। देखो 2 एंड 4 में देखते हैं क्या है, ये 2 है ये 4 है। देखो यहाँ पे ये वाली साइड और 2 की ये वाली साइड मैच कर रही है, राइट। और फिर ये वाली भी मैच करेगी 2 की इस वाली से, ठीक है। फिर ये 4 की ये वाली साइड 2 की ये वाली साइड से मैच करेगी बाकी, और ठीक है इतनी मैच कर रही है। फिर पीसेस 1 एंड 5, चलो 1 एंड 5 को देखते हैं। देखो 1 की ये और 5 की ये वाली यहाँ से मैच करेगी 1 से, अगेन ये वाली यहाँ से मैच करेगी, ठीक है, बाकी ये दोनों नहीं करेगी मैच। फोर्थ वन, पीसेस 2 एंड 5। 2 एंड 5 दोनों इक्वल सेम मेजरमेंट वाले ट्राइंगल से, तो उसकी सब साइड से एक दूसरे से मैच करेगी। देखो ये वाली और ये वाली, फिर ये वाली, ये वाली, तीनों की तीनों साइड एक दूसरे से मैच करेगी। Now next point, the 7-piece 10-gram. Here is the picture of a 7-piece 10-gram. अभी हमने 5-piece 10-gram देखा ना, अभी ये है हमारा 7-piece 10-gram. देखो क्या है, यू कैन कट आउट दीज पीसेस एंड पुट देम टूगेदर इन डिफरेंट वेज टू मेक सम वेरी इंस्टेंट इंटरेस्टिंग शेप्स। अब ये 10-gram पीसेस को पेज पे ड्रॉ करके, थिक पेज ड्राइंग शीट जैसा होता है ना, यहाँ पुरानी बुक का कवर जो होता है पतला वाला,
उसमें ड्रॉ करके पीसेस करके कट करो, फिर करो एक्टिविटी। देखो पेज नंबर 68 में क्या है, दो शेप्स ड्रॉ किए हुए हैं, है ना, 10 ग्राम के यूज से, कार्ड्स के यूज से। तो अब ये आपको करना है। नाउ वी हैव सम शेप्स आल्सो, नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली पीसेस रिटन हियर। हमें क्या करना है, जो पीसेस दिए गए हैं ना उनको, उसको उस पिक्चर के अंदर शो करना है कैसे उसका यूज हुआ है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो यूज ओनली ट्रायंगल्स, इस पिक्चर में हमें ओनली ट्रायंगल्स यूज करते हैं। चलो कैसे करते हैं, ये तो कोई मैं चेक है, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगी, कॉर्नर्स के बीच में यहाँ पे कॉर्नर है, तो ये हो गए दो ट्रायंगल, हो गए ना। फिर क्या है, ये बड़ा वाला स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा है, लेकिन इसमें रेक्टेंगल तो है नहीं, तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। यस, इसके बीच में मैं दो ट्रायंगल, दिख रहा है, तो ये हो गया बड़े वाले ट्रायंगल, हो गए ना। देखो ऐसे आप दूसरी शेप्स में जैसे नंबर ऑफ पीसेस लिखे गए ना, वो आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाना है। कर पाओगे ऐसे? यस, देखो यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ भी एक आएगा इसमें, और दूसरे शेप्स में भी ध्यान रखना, ए वन भी आएगा, फिर थ्री भी आएगा, फिर फाइव आएगा, ठीक है। थ्री एंड फाइव थोड़े छोटे हैं, फिर ये वन मीडियम साइज का, एंड सिक्स एंड सेवन सबसे बड़े। तो ऐसे आप दूसरे शेप्स में जो पीसेस दिए गए ना वो वैसे कर सकते हो।